सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है जी? सब ठीक ठाक? वधिया, वाहिगुरू मेहर करे, चढ़दी कला चढ़ाओ। सुनाउ दे टाइम ते आपां नूं जो खास तौर पर चीज़ां ध्यान रखना चाहिए जदों आपां सुनाउ ड्राइव करते हैं तो उहदे बारे एक छोटा जिहा वीडियो है जिहड़ी जिहड़ी चीज़ां सानूं गड्डी विच करनियां चाहीदियां जिहड़ा कि तुहानूं हैल्प कर सकन सुनाउ च ईजीली ड्राइव करन दे विच। तो वह कुछ चीज़ां ने, वह मैं कोशिश करदा कि तुहानूं दिखाना तां कि जदों भी तुसीं सुनाउ दे विच ड्राइव करो तो थोड़ा तुहानूं ईजी रहे। सो अगर ये तो ये टिप्स है छोटी छोटिया, अगर ये टिप्स तुसीं यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ के जो तुसीं स्नो ते ड्राइव करते हो, सो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो दोस्तों एक इनू डीजल किट कहिंदे आ। सो जदों भी तुसीं स्नो दे विच, जिद्दां हुण बाहर स्नो पई हुई है, स्नो जदों तुसीं गड्डी चलाउंदे हो ते जदों भी तुसीं डीजल पाउंदे हो दोनों टैंक दे विच, क्योंकि US च आपां दोनों पासे इकट्ठा पाउंदे हां डीजल, ते आ जो है डीजल ट्रीट, इनू डीजल कंडीशनर एंड एंटी जैल, इहदे नाल डीजल जमदा नहीं है। सो ये तुसीं इनू गौर नाल देख सकते हो, जदों भी असीं अमेरिका कैनेडा च जदों ट्रैवल चलाने हैं तो उहदे च आपां डीजल दे विच इह तुसीं पा सकते हो। तो 320 गैलन तक का जो डीजल है उहनूं इह ट्रीट कर सकदा, ट्रीट अप टू 320 गैलन। तो यह जिहड़ी चीज़ है बहुत लाजवाब है, तुहाडा जो टैंक दे विच डीजल है उहनूं जमण नहीं दिंदी। सो जदों भी तुसीं डीजल पाउणा है तो कोशिश करनी है कि इहनूं हमेशा तुसीं डीजल दे विच, जदों बहुत ज़्यादा स्नो है, जदों माइनस के टैंपरेचर जा रहे हैं, फिर तुसीं जरूर अपना डीजल और डेफ पाउण तो बाद। सो ये तुसीं दोनों टैंक दे विच पाउणा है, इस नाल तुहाडा डीजल जो है वह जमेगा नहीं। ये हमेशा जो है एक्सट्रा बाय करके रखनी है ताकि जिथे भी लोड पै सके तुसीं यूज़ कर सको। उसके नाल ही तुहाडे कोल चैना भी होनी चाहीदियां, ये चैना पिछे रस्ते च तुहानूं पुलिस वाले रोक के तुहाडी चैना चैक भी करदे आ कि तुसीं चैना कैरी कर रहे हो कि नहीं। और अक्टूबर 31 तो लेके 31 मार्च तक मोस्टली चैना तुहाडे कोल हमेशा होनी चाहिए। और चैना जदों आपां पाउंदे आ ते आपां इह सारियां हुक्कां जिहड़ियां ने यूज़ करदे आ, और आ बंजी कोर्ड्स ने आ यूज़ करदे आ। सो अगर तुहाडे कोल इह नहीं हैगियां जां हुक्का नहीं है तो फिर चैना नहीं पैणियां, इस करके ये चीज़ां कैरी करनियां जरूरी ने। सो इहनूं बंजी कोड कहिंदे आ, बंजी कोड हर हाल 'च तुहाडे कोल होनी चाहिए ने। और आ हुक रबड़ वालियां, इहदे नाल आपां जे टायर दियां चैनां ने वह आपां पाउंदे आ। उस तों बाद एक ये हैगा विंटर फॉर्मूला कहिंदे आ इहनूं, विंडशील्ड वॉशर, -20 डिग्री तक ये जो पानी है नहीं जमदा। सो आप विंडशील्ड वास्ते ताकि साडा शीशे सामने साफ रहन, सो ये आप जो स्पेशल ट्रीटेड जो वाटर है ये यूज़ करते हैं। विंटर फॉर्मूला है तो -20 डिग्री तक ये जमदा नहीं है, ये हमेशा एक्सट्रा तुसीं कैरी करनी है। जिस तरह आप 1-2-3 होर पिछे पईआं इदां आप एक्सट्रा रखनिया चाहिए हमेशा। सो चैना हो गई, तो डीजल ट्रीटमेंट जोड़ा आप पाने वो इस तो बाद एक जो चीज़ खास ध्यान देने वाली है, जो आप वाइपर यूज़ करते हैं और स्नो बहुत ज़्यादा पै रही होंगी है, तो जो थोड़ा हीटर है, हीटर की जी सैटिंग है वह बहुत मायने रखती है। सो थोड़ी हीटर की सैटिंग 3 या 4 तो तुम रखते हो, वो बाद आपां इनू हीट ते रखना,
हीट ते रखना है और आ जिहड़ी सैटिंग्स हैगियां ने सामने चेहरे ते, चेहरे ते और पैरां ते और नीचे पैरां वाले पासे और शीशे ते और पैरां वाले पासे। लेकिन जो ज़्यादा स्नो पै रही है फिर तुसीं जिहड़ी सैटिंग है आ जिहड़ी सैटिंग है ये तुसीं इत्थे इत्थे कर लेनी है ताकि जो गर्म हवा है वह सीधी शीशे ते पवे। सो शीशे ते जदों इत्थों हवा पएगी तो आ जिहड़ी सामने ते सामने आइस जमदी है जिहदे करके दिखदा नहीं है वह मैल्ट हो जाती। सो आ सैटिंग तुसीं रखनी है इहदे तों ज़्यादा कर सकते हो जिहड़ा हीट है वह ज़्यादा रख सकते हो और जिहड़ी सैटिंग है वह शीशे ते रखनी है। पैरां नूं ठंड लग रही है तो फिर तुसीं इहनूं इत्थे भी कर सकते हो बट मोस्टली जो है वह जदों स्नो ज़्यादा पै रही है तो इस सैटिंग नूं तुसीं इत्थे रखोगे तो बहुत वधिया रहेगा। सो ये दो तीन छोटी छोटी टिप्स सीगियां जो कि जदों आपां ड्राइव करते हैं अमेरिका कैनेडा दे विच स्नो दे विच उस टाइम ये बहुत हैल्पफुल होंदी है। सो उम्मीद है तुहानूं वीडियो पसंद आएगा। सत श्री अकाल जी। और स्नो दे टाइम ते लाइट्स जो है ना ये पूरियां कवर हो जांदियां स्नो नाल। सो जिथे भी टाइम मिलता है अपना टाइम कढ के विचों तुहानूं क्लीन कर लेना चाहिए। सो हमेशा ही स्टॉक च तुसीं रखनी है ताकि जो लोड पर यूज़ कर सको। और वधिया जो स्नो ग्लव्स ने वो यूज़ करने ने ताकि आ सब तो वधिया रहिंदे ने ईजीली ईजी होंदे कंफर्टेबल होंदे और तुसी स्नो च चंगा काम कर सकते हो। और ये फ्लफी टाइप होंदे जिस टाइम आप वैसे यूज़ करते हैं हाथ नाल कोई स्नो वगैरह हटानी हो बट ग्लव्स वगैरह जो है गल नहीं बनती। सो तुहाडे कोल तुहाडे गॉगल्स कैप ग्लव्स सॉक्स ये सारे वधिया होने चाहिए और सब तो जरूरी तुहाडा खाना है जिहड़ा वो तुहाडे कोल पूरा स्टॉक होना चाहिए ताकि क्योंकि खाना हैगा तो फिर तुसीं वधिया सरवाइव कर सकते हो। एक वधिया जो सेफ्टी वेस्ट है रेडियम वाली ताकि रात में भी तुसीं काम करो कि स्नो चैन अपना स्नो चैन वगैरह पाओ तो दूरों तुसीं नजर आओ। सो ये रेडियम वाली जो रिफ्लैक्टर जैकेट हैगी है सेफ्टी जैकेट ये जरूर हमेशा कैरी करनी है और ये वैसे भी जरूरी होंगी हर ड्राइवर में क्योंकि कई कंपनियां जब तक तुम ये पा के नहीं आते तां तक तुहानूं एंटर नहीं करन देंदियां। और इस तो बाद जो जरूरी चीज़ है उन्हें तुहाडे सेफ्टी शूज़। सो सेफ्टी शूज़ तुसीं हमेशा रखने ने क्योंकि स्नो च जो तुसीं मूव करना है जिस टाइम चैन वगैरह पानी ने उस टाइम तुहानूं काफ़ी टाइम लंबे टाइम तुहानूं बाहर रहना पैंदा। सो सेफ्टी शूज़ इज़ अ मस्ट। और इहदे नाल नाल एक चीज़ होर बहुत जरूरी है जिहड़ी बहुत घट लोक इहदे ते ध्यान दिंदे आ वो हैगा जो अपना गैस का चुल्हा हुंदा है इहदे विच जो आप सिलेंडर यूज़ करते हैं वो कोशिश करनी चाहिए है कि वह सिलेंडर आप ज़्यादा रखिए क्योंकि कई बार मान लो कि डीजल खत्म हो गया। सो कुछ टाइम तक जो थोड़ी हीट है तुसी स्टोव चला के भी अपनी थोड़ी बहुत हीट रख सकते हो बहुत लो लेवल करके तो वो जो सिलेंडर्स ने वो हमेशा एक्सट्रा रखने चाहिए है। सो ये सिलेंडर्स ने
कोई ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे, लेकिन ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा तो ज़्यादा कैरी करनी चाहिए। नाल हो गई मफलर हो गया या थोड़ी जो जैकेट है, शूज़ ने एक्स्ट्रा जो की कहते हैं सिलेंडर्स ने ओ, और थोड़े जो ग्लव्स ने और बाकी चीज़ा तो मैं ऑलरेडी दिखा दीतिया ने, जो चीज़ा चाहिए ने ये हमेशा मस्ट कैरी जो है वो करनी चाहिए, जरूर कैरी करनी चाहिए ताकि जो फिर स्नो दे वेच लोड पवे तो फिर तुम आला दुआला ना देखो। सब तो जरूरी चीज़ है थोड़ी स्नो जैकेट, एक हैवी ड्यूटी जी स्नो जैकेट है हुडी वाली कैप वाली वो जरूर तुम जो है वो यूज़ करनी है, जी अंदरों अच्छी तरह वार्म होवे और थोड़ी एक्सपेंसिव ले लवे एक बार क्योंकि बार बार लैन की लोड़ नहीं पैंदी, बट ये है कि अगर तुम लेंदे हो तो वधिया गल है, तो ये बगैर तो गुजारा नहीं होंगे। सो हैवी ड्यूटी एक जो जैकेट है सर्दियों वास्ते स्पेशली स्नो वास्ते वो जरूर रखनी है, और अगर हो सके तो जिदा एक हैलमेट है ये जरूर नाल रखना, तो उपर कुछ तुम इदा हुक्स लगा सकते हो जिथे तुम अपना जो भी है समान जोड़ा वो तुम टंग सकते हैं। सो अपनी जो है तुम हैंग कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा भी जो है तुम लगा सकते हो हुक्स वगैरह अपना समान टंगन वास्ते। सो ये बेसिक चीज़ा ने जिहड़ियां तुहाडे कोल होनी चाहिए दी, चीनी दुध घ्यो और पानी ये सारा कुछ अपने स्टॉक हमेशा रखना ताकि कितने भी तुम ये चीज़ तो आउट ऑफ स्टॉक ना होवो। ठीक है जी, हुण लंगर पानी का टाइम है, फिर मिलते हैं जी सारयां नूं, सत श्री अकाल।